बेगूसराय में सोमवार को उस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब निजी विद्यालय द्वारा किए जा रहे मनमानी का आरोप लगाते हुए बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सड़क जाम करते हुए जमकर बवाल काटा। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलेज के निकट की है। लोगों ने बताया कि विद्यालय द्वारा स्कूल फीस एवं नामांकन शुल्क बढ़ाए जाने पर लॉकडाउन अवधि की शुल्क माफ करने की गुहार के लिए आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि आवेदन पर विद्यालय प्रशासन द्वारा उचित ध्यान नहीं देने से लोग परेशान हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर लोग सड़क को जाम मुक्त किए। इस दौरान दर्जनों अभिभावक मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अरे सबका ग्रुप बन गया है, हमारा जो स्कूल फी और एडमिशन फी है उसमें कुछ कॉन्सेशन या कुछ सहयोग किया जाए। इस बंदी के लॉकडाउन में सब परेशान रहा, इसलिए आप लोग कुछ सहयोग कीजिएगा इनको। लेकिन उन्होंने कोई भी मांग मांगने से इनकार कर, मांगने से इनकार कर दिया, मिलने से हम लोगों से इनकार कर दिया पुलिस स्कूल प्रशासन, और कहते हैं कुछ नहीं होगा, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, जिससे बात करना है कर लीजिए आप लोग, हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। इसीलिए हम लोग अंतिम में पुलिस प्रशासन के सहयोग के आए यहाँ पर, हम लोगों का बात सुने, इसलिए हम लोगों ने रोड जाम कर दिया। भैया माफ तो छोड़िए, अगर अगले सीजन के लिए स्कूल फी बढ़ा के भी मांगा जा रहा है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार स्कूल फी फिर से 200 रुपया बढ़ा दिया गया है। भाई पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए लोग इतना चिल्लाते हैं, और स्कूल फी हर साल जो 200-300 रुपया बढ़ा दिया जाता है, इसके लिए लोग काहे नहीं बोलना चाहते हैं कोई भी चीज। रवनीत कुमार मैडम उस पर कंसीडर करेंगी, बोली आप मैडम बोली, पहले तो एप्लीकेशन लेने का तैयार नहीं थी, उसके बाद एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार हुई, बोली कि जो सर आप लोग जो आवागमन है कानून व्यवस्था बनाए रखिए, दो दिन के बाद हमारा क्या आवेदन में क्या मांग है आपकी, फीस माफ किया जाए, लॉकडाउन पीरियड का फीस माफ किया जाए, और वो बोली कि हम उस पर कंसीडर करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम सनत सौरभ है, मैं LIC डिविजनल ऑफिस में हूँ। तो कटवा लीजिए, लेकिन फी आप लोगों का तीन माने पूरे साल का लगेगा, और फी नहीं जमा करने पर एग्जाम नहीं दिया जाएगा। 18 तारीख से यहाँ एग्जाम है, हाँ। और ये प्रिंसिपल मैम हर रोज बोल रही है, कल आ रही है, आज आ रही है। यहाँ 12 तारीख से कुंदन कुमार जी का भी यहाँ लेटर दिया हुआ है, और कुंदन कुमार के लेटर का भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, माननीय विधायक जी का लेटर का भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। अभी प्रशासन दरोगा प्रशासन का भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जाके हम लोग लेटर दिए हर एक गार्जियन मोबाइल नंबर और लेटर जाके दिए हैं, और लेटर का भी वो रिसीविंग करना नहीं चाह रही है। हम लोग उसी के लिए यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं। हमारा नाम चंदन कुमार हुआ। एडमिशन चार्ज भी लिए हैं पूरा, और मंथली फी भी ले रहे हैं, जैसे इन लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम नहीं लेना चाहिए था, खेल कूद का ले रहे हैं, सब चीज का ले रहे हैं, सब भी ले रहे हैं। अभी आप लोग के क्या मांग है? अभी हम लोग का जैसे मंथली फी ले रहे हैं, लेकिन एडमिशन चार्ज इन लोग को नहीं लेना चाहिए था। किस विरोध में आप लोग क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? फिर से हम लोग पैसा इन लोगों को देना। क्या नाम है आपका? हमारे लड़का का पढ़ाई साल भर नहीं हुआ है, इसलिए अभी भले रिसीव किया गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला विद्यालय से? आश्वासन मिला है कि अब मैडम नहीं है, मैडम को आने पर जो होगा तो मैडम करेगी। हाँ, अभी लोग जॉब किस लिए किए थे? वो आवेदन तक रिसीव नहीं ले रहे। आवेदन लोगों का कहना था कि आवेदन ले लीजिए, आप आवेदन मैडम आएगी उनको दे दीजिएगा, इसलिए आवेदन में क्या मांग किया गया था? क्या मांग? हम लोग का बच्चा साल भर कोविड नहीं है।